मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बालाघाट के स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ कर्मचारी मतपत्रों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है और इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस ने इस मामले में कलेक्टर को कटघरे में खड़ा किया है। बालाघाट के इस वीडियो को बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ कर्मचारी मतपत्रों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने कहा, बालाघाट कलेक्टर निर्वाचन को कलंकित कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, बालाघाट जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने 27 नवंबर को ही स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी। कांग्रेस ने कहा, अंतिम सांसें गिनती शिवराज सरकार और सरकार की अंधभक्ति में लीन कलेक्टर लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 17 नवंबर को हुए मतदान के उपरांत ईवीएम मशीनें और बैलेट पेपर सभी स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं और स्ट्रांग रूम में जो मतपत्र रखे गए हैं, बैलेट पेपर रखे गए हैं, वो सभी जगह पर ऑलमोस्ट ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं, जहाँ की वीडियोग्राफी हो रही है, पुलिस की कस्टडी है। लेकिन आज एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें बालाघाट के अंदर वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के कहने पर इस तरह की कार्रवाई हुई है कि वहाँ पर 2 तारीख के बजाय आज 27 जनवरी को 5 दिन पहले उन्होंने वहाँ के स्ट्रांग रूम को खोल के और पोर्टों को जो है पोस्टल बोर्ड्स उनको जमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उसकी शिकायत हमने निर्वाचन अधिकारी को की है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजी से मिले हैं, ज्ञापन दिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा लगता है कि दवा में उन लोगों की वीडियो बनवा के जारी किए जा रहे हैं कि साहब हमारा सब ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल प्रॉब्लम का नहीं है, अपराध तो अपराध है। क्या 2 तारीख को निकलने वाले पैरेट्स को आप 27 तारीख को निकाल सकते हो? बिना कलेक्टर की अनुमति कैसे निकल सकता है? इसलिए उसकी जाँच होना चाहिए और जो निश्चित रूप से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बारे में इनको देखना चाहिए कि अगर कोई गलत हुआ है 2 तारीख के बदले कलेक्टर निर्देश या किसी के भी हुआ है तो उनको कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा तो कहना है कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा इसके लिए जिम्मेदार है, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल निलंबित करने एवं स्ट्रांग रूम से पोस्टल बैलेट निकालकर उसमें हेरा फेरी करने की जांच कराने हेतु चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने कहा, चुनाव आयोग को निर्वाचन की निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए बालाघाट कलेक्टर के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। वहीं इस मसले पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। बालाघाट में कल स्ट्रांग रूम खोल करके निर्धारित समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जो पोस्टल बैलेट थे उनको विधानसभावार छटनी का काम किया गया, जिसमें बैहर, लांजी, कटंगी, परसवाड़ा, बारासेवनी सभी के अलग अलग बंडल बनाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दसेरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था, उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है, किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी। जो प्रक्रियात्मक त्रुटि है, जैसे 3 बजे का समय था बट नोट जो स्ट्रांग रूम खोला गया वो 1:30 पे खोला गया, जो सूचना एक तरह से जो सॉर्टिंग करी गई, जो छटनी का काम किया गया, उसकी सूचना सही तरीके से यदि सभी जनप्रतिनिधियों को दी गई होती तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम होता, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल ऑफिसर थे उनको निलंबित किया गया है। इस मामले पर कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे। बीजेपी की करारी हार से बौखलाई चोरी की ये सरकार और कुछ सरकारी और दलाल वोट चुराने की फिराक में है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।